Hello everyone, welcome to our channel P-Talks and I hope you all are doing great. So finally CSR का exam हो चुका है, थोड़ा सा mind से pressure कम हुआ होगा, जैसा भी हुआ है, right? But जिनका अच्छा नहीं हुआ या फिर जिनका हो गया है, तो अभी एक main question है हमारे पास कि अब हम क्या करें, या फिर एक तो बात होती है कि जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो एक चीज करते हैं कि हम फिर से preparation start करते हैं, right? दूसरी चीज ऑप्शन उनके पास ये होता है कि हम कहीं प्राइवेट स्कूल को कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, राइट, जब तक नेक्स्ट एग्जाम ना आए, ओके, या फिर जिनका अच्छा हो गया है वो फिर पीएचडी वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, ओके, तो बट मेन क्या होता है कि हमारा हमें एट द एंड ये होता है कि हम किसी अच्छी सी पोस्ट पे हो, हमारी लाइफ में हम इंडिपेंडेंट हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड हो हमारी लाइफ का, है ना, यही चाहते हैं, राइट? अब बट अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं होता सीएसआई वगैरह का, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, हमसे इतनी मेहनत होनी थी, या फिर जब एग्जाम आएगा तो 2-3 महीने पहले फिर से हम कर लेंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नेट क्लियर हो जाएगा, तब तक हम कहीं 10,000-15,000 में कहीं स्कूल वगैरह में ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, बट वट आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ, आई नो ये जीएसआई की के लिए रिगार्डिंग वीडियो है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है ये, मतलब मुझे लगता है, देखो अगर आपने अभी ऐसे सोच लिया कि यार सीएसआईआर का 2-3 महीने पहले फिर से स्टार्ट कर लेंगे, एक बार पढ़ा हुआ है तो 2 महीने भी देंगे, हमारा हो जाएगा, नो डाउट आपका हो जाएगा, अगर 2 महीने आप अच्छे से दोगे तो आपका सीएसआईआर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका क्या होता है जीआरएफ भी निकल जाए, आपकी पीएचडी हो जाएगी, ओके, बट एट द एंड हम लाइफ में क्या चाहते हैं, स्टेबल होना ना, और उस टर्म में हम क्या करते हैं कि सीएसआईआर एक बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, तो है कि भाई हाँ सबको ही नेट क्लियर करना होता है जीआरएफ, तो हम उसी रेस में लगे रहते हैं, और जहां नाम आ जाता है यूपीएससी का, जियो साइंटिस्ट वगैरह, ये हमें नाम ही इतने बड़े लगते हैं ना, हम खुद को ऐसे सोच रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस लेवल वाले एग्जाम के लिए तो बने ही नहीं है, हमसे सीएसआईआर निकल जाए बहुत है, हम उसको ही हमारी एक ना मतलब लिमिट मानते हैं कि जीआरएफ निकल जाए, या फिर कई कई मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो नेट को ही ऐसे मानते हैं कि नेट क्लियर हो जाए बस, ठीक है बहुत हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए, या फिर जीआरएफ हो जाए बस, बल्ले बल्ले है और कुछ नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप सोचो ना कि जो सिलेबस आपने इसके लिए नेट के लिए पढ़ा है, या फिर आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, वही सेम सिलेबस 90% आपका जीएसआई में आता है, जियो साइंटिस्ट में आता है, ओके, और लेवल ऑफ द पोस्ट जिस पे आप होगे जीएसआई क्लियर करने के बाद, वो एक टॉप मोस्ट कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है, मतलब ऑफिसर लेवल पे आप कहीं काम करोगे अपनी लाइफ, मतलब होता है कि इनिशियल फेज पे ही आप मास्टर्स करने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप ऑफिसर लेवल पे होगे, क्या करके जो आप नेट के लिए पढ़ रहे हो, गेट के लिए पढ़ रहे हो, वही चीजें पढ़नी है ना, बस थोड़ा सा और अपना इनपुट डालना है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, बट वो तो हर स्टूडेंट के लिए होता है ना, आप सोचो कि ये जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सेम चीज मैंने सोची थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की, जब मेरे पास मैंने ड्रॉप किया था तो मैं, अब देखो मेरी 9th रैंक आई थी, तो आप सोचते हो कि मैं कितनी मतलब कितनी पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, जो भी है, जो भी आपको लगता है, मैंने खुद ने जीएसआई का पेपर नहीं दिया, मैं खुद को ये सोचती थी कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने अभी तक भी नहीं दिया, तो बट जब मैंने अभी देखा कि जीएसआई के प्रीलिम वगैरह कैसा होता है, पेपर देखा प्रीवियस, तो बहुत ईजी है वो, इजीली अगर मैं प्रिपेयर भी ना करती ना पेपर के लिए तो भी निकल जाता मुझे, मतलब अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि निकल जाता मेरा, तो अभी मुझे लगता है कि यार रिग्रेट होता है कि काश मैं उस टाइम ये ना सोचती कि यार तू यूपीएससी की लेवल की नहीं है, या फिर तेरे से जीएसआई नहीं होगा, जीएसआई के लिए तो अलग ही स्टूडेंट होते हैं, अलग ही लेवल की प्रिपरेशन चल रही होती है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने जो गलती की आप मत करना, जो आपके पास अभी प्रिपरेशन वाला टाइम है ना उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज करो, और हाँ एक और चीज, ये चीज हमारे दिमाग में और क्यों आती है, क्योंकि जीएसआई में जनरल स्टडीज का भी पेपर होता है, प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर जीएस का होता है, ठीक है, तो वो देख के हमें क्या होता है कि जीएस वाली पढ़ाई तो भाई जो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रही होता है उनसे ही होता है, हमें तो आती नहीं है, ठीक है, बट ट्रस्ट मी,
जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं साइंस के, 90-95 स्टूडेंट्स की जीएस सेम होती है, कुछ 5-6 स्टूडेंट्स ही ऐसे मिलेंगे जो भी होते हैं ना कि उनका इंटरेस्ट है, इसके लिए उनकी जीएस ज्यादा अच्छी मिल सकती है कि उनको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है, पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए उनकी अच्छी मिलेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उनकी पहले से इतनी अच्छी है, नहीं। तो जो जीएस वाले की है उसकी भी टेंशन मत लो आप कि वो तो हमें आता ही, हम कैसे करेंगे। उसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आप अगर मोटी मोटी चीजें देखोगे ब्रीफली तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट क्लियर ही तो करना है, उसमें आपको टॉप नहीं करना, ठीक है। आप अपना इनपुट ज्यादा केमिस्ट्री में लगाओ जो आपका सब्जेक्ट है। तो इसलिए जीएसआई का जो अभी फॉर्म निकला है उसको फिल करो, ठीक है। जो सीएसआईआर की आप या फिर गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वही प्रिपरेशन चाहिए उसमें भी, कुछ अलग से नहीं चाहिए। बस जीएस के लिए कुछ चीजें आप पढ़ लेना, उसमें भी ये नहीं है कि आपको भाई पता ही नहीं कहाँ से कुछ क्या पढ़ना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर मैं भी अपकमिंग डेज में वो वीडियो जरूर डालूंगी कि कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आपको 2-3 महीने सिर्फ जीएस के लिए लगाने, नहीं, ज्यादा नहीं लगाने। आप अगर 20-25 दिन भी लगा दोगे अच्छे से तो भी आपका जीएस वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ, थोड़ी सी भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के आपको हो जाएगा, नहीं, अच्छे से ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। बट ज्यादा ये नहीं कि आपको 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए जीएस के पेपर को निकालने के लिए या फिर जियो साइंटिस्ट के पेपर को निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए और सोचो आपका जीएसआई क्लियर हो जाता है, आपका प्री क्लियर हो जाएगा इजीली, थोड़ा सा जीएस पढ़ लेना और केमिस्ट्री की आप तैयारी कर ही रहे हो। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्री हो गया, थोड़ी सी तो दूर है, मतलब होता है कि एक स्टेप क्लियर हो गया, नेक्स्ट वाले थोड़े और मेहनत कर लेते हैं, 3-4 महीने और मेहनत कर लोगे, मेंस क्लियर हो जाएगा, फिर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। सोचो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप मास्टर्स करते ही, या फिर अगर आपने एक साल ड्रॉप भी किया हुआ है तो यू विल बी ऑन अ ऑफिसर लेवल पोस्ट। लाइफ सेट है ना, मतलब पीएचडी करनी है, कहाँ से करनी है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें या क्या स्टार्टअप करें, कैसे कैसे इनकम आएगी, कब से पढ़े जा रहे हैं, कब हम कमाना शुरू करेंगे, कब हमारे पैसे, मतलब हमारे हाथों में खुद का कमाया हुआ पैसा आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, राइट। तो सोचो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो यू विल बी वेल सेटल्ड कितनी छोटी एज में, ठीक है। और क्या करना है, जो कर रहे हो नेट गेट के लिए जो आप कर रहे हो उसी के अंदर थोड़ा सा बस इंक्लूड करना है अपना इनपुट, ज्यादा भी नहीं बोलिए मैं, बस थोड़ा सा और इंक्लूड करना है, थोड़ी सीरियसनेस इंक्लूड करनी है अपनी, थोड़ी सी मोटिवेशन इंक्लूड करनी है। और मतलब होता है ना कि एक अंदर से वो जुनून वाली बात की नहीं, अबकी बार करना है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करना बीच में 2-3 महीने की, यार नहीं अभी थोड़ा सा टाइम बाद शुरू कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल दिन रात अभी कर दो। अगर एक साल दिन रात कर दोगे तो जल्दी ही वेल सेटल्ड हो जाओगे, अदरवाइज वही ना, मतलब लंबी लंबी रेस हो जाएगी, लंबी जर्नी हो जाएगी अभी से और आपकी सेटल होने के बीच में, ठीक है। तो ट्राई करो कि अभी जो कर रहे हो सीरियसली कर लो और जीएसआई का फॉर्म फिल करो, इसको सीरियसली लेके पढ़ो और निकाल दो आपकी बार, ठीक है। और पोस्ट भी ऐसा नहीं है, बहुत कम आई है, अच्छी आई है। तो या इतना ही था, और अभी लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल लाइक नोटिफिकेशन पार्ट कि कैसे कैसे क्या सब चीजें हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट कितनी आई है, कैसे पेपर होगा, तो बस वो सब चीजें मैंने नोटिफिकेशन वाले में इंक्लूड की हुई है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर दिस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2023। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आई थी 21 सितंबर 2022 को, ओके। और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 11th October 2022, ओके। तो हम इसमें मेनली जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे पेपर पैटर्न वगैरह होता है, तो ये मेन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो मेजर टॉपिक्स मतलब मेजर पॉइंट्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी चीज़ें आप देख लेना। लाइक सबसे पहले जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आपका वही आईडी कार्ड होना चाहिए, जो आईडी कार्ड होगा वही आपको आगे जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होगे तो वो आपको कैरी करना है।
नेक्स्ट इज लास्ट डेट आपको अभी बताई दी है कि 11th अक्टूबर और टिल 18 आवर्स, दैट मीन्स जो शाम के लाइक टिल 6 PM, ओके। और अगर किसी को एप्लीकेशन वापस विड्रो भी करना है, लाइक एक बार आपका मन बन गया कि नहीं देना है मैंने, फिर आपको होता है नहीं आपके बार मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, तो वो भी आप कर सकते हो। सो द एप्लीकेशन कैन बी विड्रोन फ्रॉम 19th of October टू 25th October, ओके। नेक्स्ट इज जो ई एडमिशन सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 3 वीक्स पहले आपको आ जाएगा, इश्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उसके लिए पेनल्टी भी होती है, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में, और वो 1/3 होती है, ओके। नेक्स्ट इज जो एग्जाम है ऑनलाइन नहीं होता, वो OMR शीट के ऊपर ही होता है, दैट मीन्स ऑफलाइन होता है बेसिकली। ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं, और जो सेंटर्स हैं वो इतनी कितने हैं, सॉरी 19 सेंटर्स दिए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। आप तो जो आपके जो भी आपके पास है वो आप फिल कर सकते हो। जो भी ये अलॉटमेंट होगा सेंटर्स का, वो होगा फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे, दैट मींस अगर आपने स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली सीट्स होंगी, तो आपको वो सेंटर मिल सकता है। बट इन केस आप बहुत एंड में जाके, लाइक 11th अक्टूबर लास्ट है, तो आप 9th, 10th, 11th को करते हो, और इन केस उस सेंटर में सीट्स उतनी वैकेंसी नहीं है, तो आपका मे बी जो आप सेकेंड चॉइस भरोगे वो आपका सेंटर हो सकता है। तो जितना मतलब आप फर्स्ट अप्लाई करोगे तो आपको 99.9 केसेस में आपको वो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इज प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, लाइक एग्जाम होने कैसे वाला है। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट स्टेज में होगा प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। सेकेंड स्टेज इज जो भी प्रीलिम क्लियर कर जाएंगे वो फिर अपियर होंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, ओके। एंड जिसका भी मेन्स एक क्लियर हो जाएगा वो फिर अपेयर करेगा स्टेज 3 के लिए, दैट मीन्स इंटरव्यू के लिए, ओके। तो 3 स्टेजेस में ही ये पूरा प्रोसीजर होगा, एंड जिसका फिर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा देन ही विल बी सिलेक्टेड, ओके। नाउ इन्होंने मेन एग्जामिनेशन की भी डेट दी हुई है, दैट इज 24th and 25th June, और इन्होंने आई थिंक है ना ऊपर दी हुई थी, हाँ, जो प्रीलिम एग्जाम है वो होगा 19th February 2023, लाइक मतलब प्रीलिम जो होगा फैब में होगा 19th, एंड जिनका क्लियर हो जाएगा उनका मेंस होगा 24th and 25th June को, ओके। नेक्स्ट इज वैकेंसी किस किस में है। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी आती है जो कि GSI के अंडर है, दैट मीन्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। उसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है केमिस्ट की, जो कि ग्रुप ए मिलाई करती है, और इसकी 19 वैकेंसी है, ओके। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज पोस्ट इन द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है, और इसमें केमिस्ट्री वालों के लिए ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट होती है, वो भी ग्रुप ए के अंडर लाई करती है, और उसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो मतलब टोटल केमिस्ट्री वालों के लिए 19+1 आप 20 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ओके। नाउ नेक्स्ट काम, जो भी मतलब ये EWS कैंडिडेट वगैरह होते हैं, OBC कैंडिडेट होते हैं, इनको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लाइक फिल करना पड़ता है वो आपके पास होना चाहिए बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट मींस 11th अक्टूबर से पहले आपके पास जो भी आपने सर्टिफिकेट उसके अंदर फिल करने हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ओके। सिमिलरली OBC कैंडिडेट भी अपना OBC सर्टिफिकेट लाइक इन फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नाउ नेशनलिटी, तो ये चीज़ें तो आप देख ही लेना। एज लिमिट क्या है, 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स की, मतलब जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स में लाई करते हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ओके। और नेक्स्ट इज या ये चीज़ें आप जो एज रिलैक्सेशन है कि कितने 32 ईयर्स के बाद भी अगर कोई फील कर सकता है, तो ये सब चीज़ें आप दे रखी हैं कि मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स जो SC ST कैंडिडेट्स है, 3 ईयर्स जो OBC कैंडिडेट्स हैं, वो एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे 32 ईयर्स के बाद, तो ये चीज़ें आप देख लेना।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो मेनली केमिस्ट के लिए, GSI वाले केमिस्ट के लिए भी और साइंटिस्ट बी के लिए भी जो कि CGW B के अंदर लाई करता है, उसके अंदर आपकी MSc इन केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि आपकी MSc इन केमिस्ट्री होनी चाहिए इन सब में. ओके, और नेक्स्ट इज फीस. तो फीस मेनली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी में जो लाई करते हैं, SC ST जनरल, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो सारे फीमेल कैंडिडेट्स SC ST एंड जो BPH कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए फी, मतलब वो फी से एग्जेम्प्टेड है, तो उनको कोई फी पे नहीं करनी. एंड जो कैंडिडेट्स इनके अलावा जो कैटेगरी बच गई उनको फीस पेमेंट है उनकी ₹200, ओके, जो कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई के लिए आप यही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका होम पेज खुल जाएगा और वहाँ से फिर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो ओपन होगा तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो. और ये भी चीज़ दी हुई है कि जैसे 24-25 जून को पेपर था तो उनका रिजल्ट भी, आपका जो मेन एग्ज़ाम था, मेन एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट भी जुलाई अगस्त के अंदर आ जाएगा. एंड उसके बाद लास्ट डेट तो बताई दी है 11th October. नेक्स्ट इज हाँ, पेपर कैसे कंडक्ट होगा, मतलब कैसे पैटर्न होने वाला है. तो जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें दो पेपर होंगे, फर्स्ट इज GS 2 hours का होगा एंड 100 marks का होगा, ओके. एंड सेकेंड पेपर होगा केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट का, वो भी 2 hours का होगा एंड 300 marks का होगा, यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका वो टोटल 400 marks का होगा. एंड इधर नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट इज 1/3, ओके. नेक्स्ट इज कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं परमिटेड है. एंड नाउ जो मेंस एग्ज़ाम होगा, यानी जिनका प्री क्लियर हो जाएगा, जो मेंस में एलिजिबल होंगे उनको 3 papers में लाइक अपीयर होना पड़ेगा. फर्स्ट पेपर होता है आपका इनऑर्गेनिक का जो कि 3 hours होता है 200 marks का, सेकंड पेपर होता है आपका फिजिकल का वो भी 3 hours और 200 marks का, और थर्ड पेपर होता है आपका एनालिटिकल और ऑर्गेनिक का, वो भी आपका 3 hours और 200 marks का ही होता है. एंड ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते. एंड और जो मेन एग्ज़ाम होता है ये आपका टोटल 600 marks का होता है, तो प्री प्लस प्री एग्जामिनेशन और मेन्स एग्जामिनेशन टोटल 1000 marks के हो गए, ओके. 400 + 600 दैट इज 1000. नाउ सिलेबस, अब सिलेबस मेनली जैसे इसमें मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं तो ऑब्वियसली जितना सिलेबस आपका मास्टर्स तक का होता है वो सारा ही सिलेबस आता है, लाइक बैचलर्स मास्टर्स जितना भी आपने किया है तो वो मोस्टली सारा आ जाता है. और बाकी इसमें मेंशन किया हुआ है जैसे कि जो जनरल स्टडीज़ में आता है वो सारी ही जितनी भी पोस्ट होती है वो सबके लिए कॉमन होता है, तो ये चीज़ आप देख लेना. एंड केमिस्ट के लिए जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, ओके, दिस इज रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस, ये सब आप देख लेना क्या क्या सिलेबस है, मोस्टली आपने किया हुआ है ये सारा का सारा. एंड अब आती है सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन. मेंस के लिए हम केमिस्ट्री निकालते हैं, तो फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक का होगा, उसमें इनऑर्गेनिक का अलग से सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से. देन फिजिकल का होगा सेकंड पेपर, फिजिकल का भी सारा सिलेबस मेंशन है. एंड थर्ड पेपर होगा आपका एनालिटिकल और ऑर्गेनिक का, एनालिटिकल का सिलेबस अलग से दिया हुआ है एंड ऑर्गेनिक का सिलेबस अलग से दिया हुआ है, तो आप ये देख लेना, ओके. और आई थिंक इंस्ट्रक्शन, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो लाइक इफ़ यू वांट कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाया जाए तो आई विल ट्राई दैट आल्सो, अदरवाइज आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी आई गेस, ओके. या आई गेस इतना ही है, या दैट इज ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन. तो ये थी नोटिफिकेशन वाली चीज़ें.
और डरना मत कि यार डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टाइप हर एक स्टूडेंट के लिए है। अब सोचो अगर मेरी रैंक इतनी अच्छी है, मैं वो चीज सोच रही हूँ, तो इसका मतलब हर किसी का लेवल सेम है। मैंने अपीयर ही नहीं किया एग्जाम में, तो मतलब अगर चाहे वो टॉप रैंकर हो चाहे वो आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, हर कोई सेम सोचता है। तो अगर आप वो सोचने सोचने में ना रह जाओ जैसे मैं रह गई, थोड़ा सा अपना इनपुट दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो या फिल कर देना फॉर्म को और अच्छे से प्रिपेयर करो। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय।